अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि हम अपने कार्टून कैरेक्टर को मिरर के सामने किस तरह से खड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आईने में उसका फेस भी शो हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है एक मिरर की इमेज डाउनलोड कर लेनी है। आप इमेज सर्च मैन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्रोम को भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अब अपने मैंने ये वाला मिरर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ये भी अच्छा लग रहा है, मैं इसे भी डाउनलोड कर लूँगी। अब आप लोगों ने जाना है बैकग्राउंड इरेज़र में। बैकग्राउंड इरेज़र में आने के बाद आपने जो भी आपका आईना था उसे आपने उसका बैकग्राउंड इरेज कर लेना है। बैकग्राउंड इरेज करने का तरीका मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, वो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जस्ट आपने ऑटो पर रख के बैकग्राउंड इरेज करना होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। अब आपने आ जाना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आपने बैकग्राउंड ले लेना है। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लेने के बाद, ग्रीन या फिर ब्लू, तो ग्रीन ब्लू स्क्रीन मतलब बैकग्राउंड लेने के बाद आपने अपना कार्टून कैरेक्टर या फिर जो भी आईना आपने किया है उस दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है। इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद सेटिंग से इसे यहाँ पर रख लेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड क्रोमा की के ज़रिए से इरेज करके जहाँ भी अपने कार्टून कैरेक्टर को मिरर के सामने दिखाना चाहते हैं तो उस तरह से उसे दिखा सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। तो अब आपने क्या किया, अपना कार्टून कैरेक्टर ले लिया। तो हमने अपने कार्टून कैरेक्टर को क्रोमा की रिमूव करके बैकग्राउंड मतलब ग्रीन बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपने क्रॉपिंग से काइन मास्टर का लेवल हटा लेना है। अब आपने इसे सेटिंग से रखना है और डुप्लीकेट करना है। अब इसे रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने से ये अपना फेस इस तरह से हो जाएगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसे थोड़ा छोटा करें कि आईने से बाहर ना आए। उसके बाद आपने इसे सेटिंग से रख लिया। सेटिंग से रखने के बाद आप लोगों ने जाना है ओपेसिटी में। ओपेसिटी में जाने के बाद आप लोगों ने ओपेसिटी को कम करना है 100 से कम, जैसा कि मैं यहाँ पर 68 तक कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल टोनी बर्ड स्टोरी टीवी को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए फातिमा एडिट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आनी चाहिए ये हमें कमेंट में बताइएगा।